कार्तिक के इस महीने में धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। धनतेरस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन कुबेर देव, माँ लक्ष्मी, आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है, साथ ही घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में धनतेरस के दिन खरीदारी करने का भी विधान है। इस दिन खरीदारी करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। तो चलिए इस वीडियो में बताते हैं कि धनतेरस के दिन सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। धन त्रयोदशी यानी कि धनतेरस इस साल बहुत ही शुभ हस्त नक्षत्र में मनाया जाएगा। हस्त नक्षत्र के स्वामी आदि ग्रह चंद्रमा है, लिहाजा इस साल की धन त्रयोदशी आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल, बेचैनी, संवेदनशीलता, करुणा, उग्रता, प्रेम, दया और कला को अपने अंदर समेटे होगी। इस साल धनतेरस मनाने का समय 10 नवंबर को 12:35 से शुरू हो रहा है। ये 11 नवंबर को 1:57 पर खत्म होगा। इस दौरान आप गोल्ड खरीद सकते हैं। वहीं अगर धनतेरस पूजा मुहूर्त की बात करें तो ये 5:07 से शुरू होगा और 7:43 पर खत्म हो जाएगा। धनतेरस के दिन प्रदोष काल 5:30 से 8:08 तक रहेगा। वृषभ काल 5:47 से 7:43 तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को 12:35 पर शुरू हो रही है और 11 नवंबर 1:57 पर खत्म हो रही है। ज्योतिष के अनुसार धनतेरस पर शुभ वस्तुओं की खरीदारी जैसे कि सोना खरीदने से 13 गुना धन की वृद्धि होती है, लेकिन अगर किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो सोना खरीद पाए तो वो चांदी खरीद सकता है। चांदी भी नहीं खरीद पाता है तो वो अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ चीज़ धनतेरस के दिन ज़रूर खरीदे।